अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक वज़ाइफ अकेडमी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, वजीफे चूँकि इस्लामी हिदायत का नाम है तो इसके लिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। हम वजीफे इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं। सबसे अहम बात, हमारे वजीफे में कोई गलत बात नहीं होती तो लड़कियां भी इसे पढ़ सकती हैं। इस वजीफा की कामयाबी के लिए आपको कुछ पाबंदियां करनी पड़ेंगी जिसमें नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, वो तमाम औरतें जिनसे उनका शौहर बद इखलाकी से पेश आता है और हर बात में ज़्यादती करता है, शौहर इनके हुकूक़ अदा नहीं करता, वो औरतें ये वजीफ़ा करें, इसकी वजह से आपका शौहर आपके साथ अच्छा रवैया रखना शुरू कर देगा और तमाम हुकूक़ अदा करेगा जो जायज़ होंगे, और आप देखेंगे इसकी मोहब्बत आपके साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो आपसे शदीद मोहब्बत करने लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वजीफ़ा करने का तरीका ये है। सबसे पहले आप इस वजीफ़ा की इजाज़त के लिए बावजू क़िबला रुख होकर बैठें और दुआ के लिए हाथ उठाकर एक बार या हफीज़ु पढ़कर हाथ पर फूंक कर हाथों को 3 मरतबा चेहरे पर फेरें। इस तरह 3 मरतबा करें। इसके बाद आंखें बंद करके या हफीज़ु दिल ही दिल में पढ़ें, फिर अल्लाह से अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगें और 6 रुपए खैरात करें, फिर आपको इजाज़त है वज़ाइफ़ की। किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद 1100 मरतबा या मुमिन पढ़कर आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि आप अर्श के साए में हैं और आपका शौहर नीचे ज़मीन पर है। जब ये तसव्वुर कायम हो जाए तो शौहर के मुंह पर फूंक मार दें फिर किसी से बात किए बगैर शोर का तसव्वुर करते करते सो जाएं, इंशाअल्लाह आपका शोर रह रास्त पर आ जाएगा। नाज़रीन, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरी इस वीडियो को कमेंट्स भी कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और मज़ीद मेरी अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ़ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।